नमस्कार दोस्तों, सफरनामा भाई मुकेश जैन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने इंस्टाग्राम द्वारा या उसके मालिक द्वारा एक जो नया ऐप लॉन्च किया है, थ्रेड्स ऐप, उसके बारे में जानकारी लेकर आया हूं। दोस्तों, यह ऐप ट्विटर को टक्कर देने के लिए बनाया गया है। जैसा कि आपको जानते हैं कि टेस्ला के मालिक एलन मस्क द्वारा जब से ट्विटर को खरीदा गया है, तब से उसमें बहुत सारे बदलाव हो गए हैं। तो उन बदलावों को देखते हुए कई यूजर्स बहुत परेशान थे। उस परेशानी को दूर करने के लिए जो इंस्टाग्राम है, जिस पर आप रील बनाते हैं और उसमें करोड़ों लोग उस पर अपना रील बनाकर उसका फॉलोइंग करते हैं, उसके मालिक ने, जुकरबर्ग ने एक ऐप लॉन्च कर दिया है। दोस्तों, अब उस ऐप के बारे में हम पूरी जानकारी पढ़ेंगे। दोस्तों, वो ऐप लॉन्च होते ही कुछ घंटों में लाखों लोगों ने उसको डाउनलोड कर लिया। प्ले स्टोर से 50-50 लाख लोगों ने उसको कुछ ही समय में डाउनलोड कर लिया। मतलब इतनी तेजी से वो ऐप जो है लोगों के बीच में प्रसिद्धि पा रहा है। तो आइए हम उसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। यहां पर क्या बताया मैंने आपको, इस ऐप का जलवा कैसा है? इस ऐप का जलवा ऐसा है कि 4 घंटे के अंदर, कितने घंटे में, 4 घंटे में 50 लाख से ज्यादा यूजर्स जुड़ गए। कितने घंटे में? 4 घंटे में। बतावा कितना अच्छे उसमें फीचर्स होंगे कि 4 घंटे के अंदर 50 लाख लोगों ने उसको डाउनलोड कर लिया, वो उसमें जुड़ गए। ठीक है, अब ये ऐप जो है मार्क जुकरबर्ग की जो कंपनी मेटा है वो लेके आई है। क्यों लाई है? इनका पहले से इंस्टाग्राम है, मालूम है ना आपको इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम ऐप में यूजर्स को फोटोज और वीडियो शेयर करने का विकल्प मिलता है। फोटो और वीडियो शेयर करने का विकल्प मिलता है, जबकि ट्रेड्स जो बनाया उन्होंने मुख्य रूप से टेक्स्ट पर आधारित ऐप है। मतलब लिखने वाला, हम उसमें लिख भी सकते हैं। यहां केवल आपका वीडियोज और फोटोज थे, टेक्स्ट नहीं थे। ये जो अक्षर है, ऐसे अक्षर नहीं थे, वो फीचर भी इसमें जोड़ा गया है। इसका इंटरफेस, मतलब चेहरा जो इंटरफेस रहता है, जिसका होम पेज रहता है, बेशक इंस्टाग्राम से मिलता जुलता लगे, लेकिन फीचर्स के मामले में ये ट्विटर जैसा ही है। मतलब इसके जो गुण है, गुण अपन कहते हैं चेहरे एक जैसे होते, गुण अलग अलग होते हैं, लेकिन यहां पर ट्विटर और थ्रेड्स है, दोनों के गुण एक जैसे हैं, नेचर एक जैसा है, उनके फीचर्स एक दूसरे से मिलते जुलते बनाए हैं। इस ऐप के जरिए मेटा, मतलब बनाने वाली कंपनी की कोशिश है कि यूजर्स को ट्विटर का विकल्प देने की है। जब कोई चीज बहुत चलती है और उसमें कोई दिक्कतें आती है, रुकावट आती है, तो लोग उसका विकल्प मांगते हैं। जब देश में क्या हुआ, अलग अलग पार्टियां चुनाव लड़ती है, बीजेपी है तो कांग्रेस है तो जनता दल है, तो जनता अगर इनसे घबरा जाती है तो कोई नए दल का विकल्प ढूंढती है। ऐसे ही जो लोग ट्विटर से परेशान हो गए, ट्वीट करने वाले जो ट्विटर कंपनी है उससे अगर परेशान हो गए हैं, तो लोग दूसरा विकल्प ढूंढते हैं, यार कि कोई दूसरा ऐप आ जाए तो मजा आ जाए। तो उस बात को समझते हुए मार्क जुकरबर्ग ने इस ऐप को लॉन्च किया है। अब क्या है थ्रेड्स ऐप? थ्रेड्स इंस्टाग्राम का नया ऐप है जो यूजर्स को टेक्स्ट, मतलब आप एक दूसरे को कुछ लेटर वगैरह लिखा हुआ जो टेक्स्ट है, मैसेज है, वो ही भेज सकते हैं। लिंक, हम अभी तक लिंक भेजते थे ना, एक दूसरे को लिंक भेजना है वो इसमें नहीं होती थी, वो लिंक भी अब इसमें डाल दी उनने। मतलब लिंक के द्वारा भी आप एक दूसरे में आदान प्रदान कर सकते हैं, फोटो भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं। बाकी यूजर्स के मैसेज का जवाब देकर या दोबारा पोस्ट करके कंफर्मेशन में शामिल होने की सुविधा देता है।
मतलब मैसेज का जवाब भी दे सकते हैं हम उसमें, ठीक है। इसे गूगल या एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए अब इसमें फीचर्स कौन कौन से हैं। मेटा का एक एलन मस्क के ट्विटर से परेशान यूजर्स के लिए एक वैकल्पिक प्लेटफॉर्म दे सकता है। इसके सारे फीचर्स ट्विटर की तरह दिए गए हैं, लेकिन कुछ फीचर्स ट्विटर पर भी भारी है, मतलब ट्विटर से भी ज्यादा कुछ फीचर्स ने दिए हैं। हमेशा जो नई टेक्नोलॉजी आती है वो पहले वाले से कुछ ज्यादा ही लाती है, स्वाभाविक है। इसलिए ये भी जब लाए हैं तो ट्विटर से कुछ और फीचर्स जोड़ के लाए हैं। जैसे ट्विटर में अगर आप कोई भी चीज ट्वीट करते हैं या लिखते हैं तो उसमें शब्दों की जो लिमिट होती है वो 280 से ज्यादा नहीं हो सकती थी। 280 तक ही आप टाइप कर सकते थे, लिख सकते थे, लेकिन इसमें 500 कैरेक्टर तक आप इसमें भेज सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इसमें टेक्स्ट के अलावा बताए लिंक है ना, लिंक, फोटो, वीडियो, ये सब शेयर करने की लिमिट 5 मिनट तक की है। मतलब 5 मिनट तक का ये काम कर सकते हो, बहुत बड़ी बात है। इतना समय का आपको वीडियो भेजना, लिंक भेजना, टेक्स्ट भेजना, 5 मिनट तक का बना के आप भेज कर सकते हो। अपने थ्रेड्स पोस्ट को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर आसानी से पोस्ट कर सकते हो, या अपने पोस्ट को किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिंक के रूप में साझा कर सकते हो। मतलब आप जो यह अकाउंट बनाओगे, जो आपकी लिंक बनेगी, उस लिंक को आप सोशल मीडिया के किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर भी साझा कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया फीचर्स आया ये यूरोपियन यूनियन, यूरोप के देशों को छोड़कर 100 देशों में उपलब्ध है, और ये iOS और एंड्रॉइड दोनों पर चलता है, ठीक है। इंस्टाग्राम के साथ इंटीग्रेट की गई थ्रेड सेफ की खास बात यह है कि यह एक यूजर्स के इंस्टाग्राम अकाउंट के मौजूदा फॉलोअर्स की लिस्ट को भी पार्ट कर देती है, ठीक है। मतलब पोर्ट हो जाएंगे वो जो इंस्टाग्राम के आपके फॉलोअर्स है वो सारे के सारे इस पर भी आ जाएंगे, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोगों के इंस्टाग्राम पर बिलियंस में फॉलोअर्स है, वो फॉलोअर्स ऐसे कैसे आपको इस ऐप पे भी आ जाएंगे। कितना अच्छा फीचर्स है, अब आप समझेंगे इसको, आया ये लॉन्च हुआ है, अब इसको कैसे इंस्टॉल करना। तो पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, क्या टाइप करेंगे, थ्रेड से इंस्टाग्राम ऐप, जो थ्रेड से वो क्या है, इन इंस्टाग्राम एप्स है। ऐप को लोग, इसका जो लोगो है जो मैंने पेज नंबर पहले भी दिया हुआ आपको शुरू में ही, उसको वेरीफाई कर इसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद ऐप को ओपन करेंगे, नीचे आपको लॉग इन इन विद इंस्टाग्राम का ऑप्शन आ जाएगा। मैं आपको पूरा खोल के बताऊंगा तो लंबा बहुत वीडियो हो जाएगा, आप खुद वहां पर करिए, आपको, आप तो बहुत ज्यादा फ्रेंडली इन चीजों के, आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर लॉग इन का आपको कोड आएगा, फिर आप इंपोर्ट फ्रॉम इंस्टाग्राम पर क्लिक करें, अगर आप इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हो तो इंस्टाग्राम से लिंक हो जाएगा, और इंस्टा से आपकी प्रोफाइल को यहां भेज देगा, ठीक है। फिर टर्म्स कंडीशन पढ़े, फिर उसको कंटिन्यू करें, ठीक है। इसके बाद फॉलो सेम अकाउंट, मतलब जिसे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं उस पर क्लिक करें तो वो भी आपके यहाँ फॉलोअर आपको मिल जाएंगे। फिर ज्वाइन थ्रेड्स पर क्लिक करें, और अब थ्रेड्स ऐप के फीचर्स का इस्तेमाल करें। बहुत आसान है, सरल तरीके से कर सकते हैं। ये ऐप अभी धमाल मचाएगा, बहुत सारे नए नए फीचर आए हैं, तो लोग तो इसको बिल्कुल देखेंगे दिन रात, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।